हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आऊँ, देखिए 40 रुपए का शेयर, मात्र 40 रुपए का शेयर मैं कहूँगा इसको। और ऑर्डर देखिए कितना जबरदस्त मिला है, मतलब 302 करोड़ का ऑर्डर है ये, अपने आप में बहुत टॉप का। 000 देखिए पीछे, 302 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और शेयर देखिए काफी सस्ते में मिल रहा है, मतलब अभी जो गिरावट आई ना, तो ये शेयर 80 रुपए से बिल्कुल 35-40 रुपए के अराउंड आ गया गिर गिर के, तो मतलब जबरदस्त गिरावट, 50-60% की गिरावट देखने को मिली। चलिए जानते हैं शेयर के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में, फंडामेंटल टेक्निकल्स एंड इस ऑर्डर को जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए, अब ये शेयर अगर आप देखें फंडामेंटल्स के, स्मॉल कैप का शेयर है, 500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आसपास इसके है, करंट प्राइस 3970। और अगर आप देखें बुक वैल्यू 44-45 रुपए की बुक वैल्यू है, मतलब अभी भी ये बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13% और सेल्स ग्रोथ 11% के आसपास, जबरदस्त। और अर्निंग पर शेयर तो बहुत बढ़िया लगा मुझे इसका, इस प्राइस के हिसाब से पी रेशियो जो है वो 7.04। और अगर आप इसका डेट देखें, ये एक नेगेटिव, एक कंसर्निंग फैक्टर है, मतलब डेट बहुत, डेट मैं कहूंगा इसको, मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में 350 करोड़ का डेट देख लीजिए आप। चलिए ये तो रहे फंडामेंटल्स। अगर आप इस स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल देखें, रिवेन्यू देखें, देखिए रिवेन्यू 800 करोड़ आज के डेट में 2000 करोड़, मतलब ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, इतना फास्ट ग्रोथ नहीं है लेकिन धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखें, तो वहाँ पे भी बीच में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पे वो धीरे धीरे उछलने को है, 35-77 करोड़ देखिए। अब ये चीज़ तो आपने देखी, अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कंपनी करती क्या है। कंपनी का नाम क्या है? पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बार फिर, अभी तक अगर आपने नाम नहीं सुना कंपनी का, तो पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वन ऑफ द लीडिंग इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आप देखो, इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज है, आज से नहीं, कंपनी बहुत पुरानी है, तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडरीज है। देखिए सब्सिडरीज कौन कौन सी, जैसे सब्सिडरीज भी हैं, जॉइंट वेंचर भी हैं। और अगर आप देखें इसमें काम क्या क्या, देखिए पेनार इंडस्ट्री, पेनार इंजीनियरिंग बिल्डिंग सिस्टम है PEBS, पेनार एनवीरो लिमिटेड PEL है, तो ये सब्सिडरीज हैं इस कंपनी। अब आप ये देखिए ऑर्डर क्या मिला है, जो 302 करोड़ का ऑर्डर मिला है वो किस चीज़ पे मिला है भैया, पेनार ग्रुप को। तो पेनार ग्रुप इज लीडिंग वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन कंपनी, हैज बैग्ड ऑर्डर वर्थ ₹302 करोड़ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी के पूरे महीने की डिटेल है ये। अब आप देखिए इसमें जो ऑर्डर मिला है, फ्लैगशिप कंपनी पेनार इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिसीव मल्टीपल ऑर्डर्स एग्रीगेटिंग इन 187 करोड़ अक्रॉस द बिजनेस वर्टिकल। द ऑर्डर रिसीव्ड वर फ्रॉम इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, एक कंपनी है टीठागढ़ वैगन्स द एंड सेल राइट्स, आपने सुना होगा रेलवे प्रोडक्ट्स के लिए। और थर्मैक्स, IFB और पुज़ोलाना, स्लैफर इंडिया, तोशीबा, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर पैनल्स एंड चैनल्स, देखिए कितने, मतलब मल्टीपल कंपनीज है, अशोक लेलैंड, रॉयल एनफील्ड, थर्मैक्स और यामा, ज़ाइलम, मतलब इतने सारी, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इतने लोगों ने मिलकर इसको ऑर्डर दिया है। दूसरा आप देखिए PEBS, जो पेनार इंजीनियरिंग बिल्डिंग सिस्टम की कंपनी है, उसको कहाँ से ऑर्डर मिला, उसको 115 करोड़ का ऑर्डर मिला। TVS इंफ्रास्ट्रक्चर, हिंदुस्तान EPC, BVG इंडिया, एरो ग्रेनाइट, तो इन कंपनीज की तरफ से उसको ऑर्डर मिला। तो आप देखिए, मैं कहूँगा छोटा शेयर जरूर है, लेकिन काफ़ी वैल्यू अभी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल की तरफ चलते हैं, एक बार देखिए टेक्निकल क्या बता रहे हैं। टेक्निकल बीच में इसका जो सपोर्ट रेंज था वो 40 रुपये के बता रहे थे, अभी ये सपोर्ट रेंज के पास है, लेकिन ये सपोर्ट लाइन तोड़ के और नीचे गया और शेयर जो लगा 30 रुपए के आपस में। अगर आप टेक्निकल्स पे यकीन रखते हैं, तो देखिए ये वो सपोर्ट रेंज है, देखिए दो बार इसने यहाँ पे कोशिश करी थी, यहाँ से नीचे गिरा था जब ये, तो वहीं से अब ये बाउंस बैक हुआ। तो अभी तक आप खुद सोचिए 30 रुपए से 10 रुपए उछाला, मतलब 30-35% का उछाल ऑलरेडी आ चुका है इसमें गिरावट के बाद, वो 30 रुपए की रेंज से। अब देखिए 40 के आसपास ट्रेड कर रहा, अगर इसने ये 40 की लाइन पार कर दी और यहाँ पे ये 40 की लाइन या फिर ये 42-43 की लाइन पार कर दी, तो इसमें अच्छा उछाल आ सकता है। और इस ऑर्डर के बाद तो उम्मीद लगता है कि उछाल आएगा। जो स्मॉल कैप के शेयर्स होते हैं ना, उनमें वॉलीटिलिटी काफ़ी होती है, जब शेयर उछलते हैं तो वो भी स्पीड से उछलते हैं, लेकिन जब गिरते हैं तो वो भी स्पीड से गिरते हैं। आप खुद देखिए 80 रुपये से कितनी स्पीड से ये नीचे गिरा था 15 जनवरी 2018, और एक साल में बिल्कुल देखिए 30 रुपये पर पहुँच गया था, एक साल में, मतलब 50% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल गई थी, वो भी एक साल में। और
अब ये तो आपने देख लिया इसके टेक्निकल और फंडामेंटल्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसके अगर अट्रैक्टिवनेस देखें मार्केट मौजूद है तो काफ़ी अट्रैक्टिव है ये, इसके वेरी अट्रैक्टिव वाली पोजीशन पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, पेनार होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो मेजर प्रमोटर है उसका 18% के आसपास की होल्डिंग है, और सैफ इंडिया FII होल्डिंग लिमिटेड इसकी 10% होल्डिंग है इसमें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बहुत होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 4 स्कीम्स और FII ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेगेटिव फैक्टर प्लेस्ड प्रोमोटर 7.5% जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो होल्डिंग है वो गिरवी रखी गई है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, 302 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मात्र 40 रुपये का शेयर है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।